क्योंकि दिल्ली वाला फीलिंग ना बहुत ही टेरिफाइंग था मेरे लिए। मैं दिल्ली गई थी जब मैं 1 साल की थी, उसके बाद मैं दिल्ली गई मॉक इंटरव्यू देने के लिए। वो एक मेरा स्पैन था दिल्ली के साथ एक्सपीरियंस, अब जाना होता रहता है। लेकिन उस टाइम पे जब मैं जनवरी में गई थी मॉक इंटरव्यूज देने के लिए, अब मॉक इंटरव्यू का ऐसा हुआ कि मेंस तो दे दिया, फिल्म्स भी दे दिया, पर यहाँ पे कोई नहीं मिला जो मॉक इंटरव्यू ले सके। एंड मेरे मन में था कि नहीं, आई डोंट हैव टू लीव एनी स्टोन अनटर्न। अगर यहाँ तक पहुँची हूँ इस एग्जाम में तो आगे तो करना है। मैंने कहा चलो, पहली बार मम्मी को लेके गई। तो जब वो ओल्ड राजेंद्र नगर, आपने सुन रखा होगा, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स, मैं वहाँ रहा हूँ ओल्ड राजेंद्र नगर जी। तो सर, जब मैं ओल्ड राजेंद्र नगर की उन गलियों में गई, आई वॉज टेरिफाइड बिकॉज हर स्ट्रीट पे, हर बिल्डिंग पे UPSC, 500 रुपये में ज्योग्राफी की क्लास, 1000 रुपये में पॉलिटी कम्प्लीट। ऐसा था, मैंने कहा यार, मैं अगर यहाँ पे रहती ना 1 साल भी, मैं नहीं कर पाती। बट वो अपना अपना पर्सपेक्टिव है, मैं अपना पर्सनल बात बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर लगा अच्छा किया भोपाल में रही, मम्मी के हाथ का खाना खाया, पापा के साथ बातें करती रही, मेरा भाई भी आज आया हुआ है, उसके साथ बहुत मस्ती भी की है अथर, एंड उस सारे एटमोसफियर में रहकर तो फैमिली के साथ वाला जो प्रिपरेशन वो मेरा रहा। और मेरे साथ ऐसा भी था कि ग्रेजुएशन के लिए मैं बाहर नहीं गई थी, तो मेरे लिए थोड़ा डर भी था, इसलिए मैंने शायद दिल्ली नहीं चुना।